टुडे लाइव में आपका स्वागत है। वैशाली जिला परिषद चुनावी क्षेत्र संख्या एक से जिला परिषद हेतु उम्मीदवार शांति देवी। सिटी न्यूज की टीम अभी वैशाली का भ्रमण कर रही, इसी क्रम में हमारे साथ वैशाली जिला परिषद क्षेत्र संख्या एक प्रखंड वैशाली से जिला परिषद उम्मीदवार शांति देवी जी और निवेदक राजू भाई, एक सामाजिक कार्यकर्ता और भाकपा माले के सक्रिय नेता और जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं राजू जी। आइए राजू जी से कुछ उनका अनुभव लेते हैं। बताइए राजू भाई, ये इलेक्शन में कैसे कुछ क्या हो रहा है? सबसे पहले आपके सिटी न्यूज के माध्यम से हम लोगों को हम बता दें कि 2019 10 अक्टूबर को हम भाकपा माले से रिजाइन करते हैं। अभी हम पार्टी के नाम पर आरजेडी के एक्टिव वर्कर हैं, वैशाली जिला के वरिष्ठ लीडर हैं और मेरा अपना एक संगठन है, वो है ग्रामीण किसान महासभा। उसके माध्यम से गांव के गरीब गुरबा की आवाज़ गुंगा बहरा प्रशासन गुंगा बहरा सरकार तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है। जिस दिन हिंदुस्तान में और गांव में गरीब मुट्ठी तान के अमीरों पर खड़ा हो जाएगा, उस दिन देश को और गांव को सच्चा आज़ादी मिलेगा। आज भी अभी अधूरा आज़ादी है, कहेगी आज भी गरीब प्रताड़ित है। ये 1971 में इंदिरा गांधी नारा दी थी गरीबी मिटाओ, ये 1971 से आज तक गरीबी मिटा ही नहीं। ये कौन सा ऐसी बला है हिंदुस्तान का जो गरीबी मिट नहीं रहा है? वो बड़का बड़का राफेल आ गया, लड़ाकू विमान, कौन टैंक, कौन तोप, ये मार के भगा देता है इस गरीबी को। लेकिन अफसोस कि भ्रष्टाचार में लिप्त हिंदुस्तान के तमाम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो जाते हैं गरीब का नाम लेने, तो गरीब की औरत दरवाजे पर झाड़ू रखे 5 झाड़ू, 5 साल पर एक बार जाते हो तो 5 झाड़ू, 1 साल पर जाते हो तो 1 झाड़ू। ये गरीब और अमीर का लड़ाई है, आज तक गरीबी मिटने का नाम नहीं ले रहा है। हम लड़ाई लड़ते हैं गरीबों के हित में और गरीबों की आवाज हिंदुस्तान के तमाम गुंगा भरा प्रशासन तक पहुंचाते हैं, बिहार हो या दिल्ली। भाई, आपकी पत्नी जो है वो जिला परिषद से खड़ी हुई है, तो बताइए कि जिला परिषद से खड़ी हुई है, समाज भी साथ दे रहा है, तो अपने क्षेत्र का कैसे कुछ विकास करिएगा, ये सब बताइए। बहुत पिछड़ा अपना क्षेत्र है आपका। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि हम जब गांव में घूमते हैं तो कोई कोई कहता है राजू भाई जिला परिषद का पद और ग्रामीण क्षेत्र में पंच का पद दोनों बराबर है, कारण तो न पंच के यहाँ कोई जाता है, सिर्फ सरपंच के यहाँ चला जाता है और जिला परिषद का माने कोई बताइबे नहीं करता है। तो मैं सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से मैं बता दूं कि इस बार अगर हमें मौका दिया गरीब गुरुवा लोग वैशाली की, तो जिला परिषद से कौन कौन काम होता है इसका माने मैं समझा दूंगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब ये बताइए कि आपकी पत्नी जो है जिला परिषद से खड़ी है, ठीक है, तो जनता यहाँ की अगर साथ देती है तो उसके बाद क्या कुछ उनके द्वारा विकास होगा आपके क्षेत्र का? हमने 10 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है। अच्छा। ऐसे भी साल का 500 कंबल हम बांटते हैं। 8 पंचायत का जिला परिषद है वैशाली, जिला परिषद क्षेत्र संख्या एक, प्रत्येक पंचायत को 100 कंबल प्रत्येक जारा में हम देंगे, यानी कुल 800 कंबल सालाना देंगे। और जितना गरीबी रेखा के नीचे हो या ऊपर जो गृहिणी है, काम करने वाली महिला है, जो घर में झाड़ू लगाती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चा को स्कूल तैयार के भेजती हैं, वो राष्ट्रीय एक काम हुआ। प्रत्येक जैसे ड्राइवर राष्ट्रीय संपत्ति है, वैसे भी महिलाएं वो राष्ट्र का काम करती हैं। बच्चा जो तैयार करके स्कूल भेजती हैं, वही बच्चा कल कलेक्टर बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, IAS IPS बनेगा। तो उन महिलाओं को बिहार सरकार भारत सरकार की ओर से कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो हमने अपना सरकार से मांग रखा है कि जितने के बाद जॉब कार्ड मनरेगा का प्रत्येक कामकाजी महिलाओं का हम बनवाएंगे, लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट श्रम संसाधन विभाग से रजिस्टर्ड करा देने के बाद सरकार के यहाँ जन आंदोलन चलाएंगे कि प्रत्येक महिलाओं को आप देते हो 3,000 रुपया दवा के लिए साल का।